हेलो फ्रेंड्स, ये एक रिक्वेस्ट वीडियो है। केवीएस संगठन से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपको, इस वीडियो को शेयर करना है। वो रिक्वेस्ट ये है कि आने वाले समय में केवीएस में एलडीसी, यूडीसी तथा बाकी पोस्ट के लिए जो सीपीटी या फिर जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, अगर वो एग्जाम अगर ऑनलाइन होता है, अगर आपकी सीपीटी या फिर टाइपिंग टेस्ट अगर आपकी ऑनलाइन होता है, तो जिस तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्लिक हियर फॉर मॉक टेस्ट, तो LDE यानी लिमिटेड डिपार्टमेंट एग्जाम जिस तरीके से इन लोग लेने वाले हैं, जो पोस्ट है यहाँ पे लिखा गया है रिक्रूटमेंट ऑफ फाइनेंस ऑफिसर एंड सेक्शन ऑफिसर के लिए जिस तरीके से LDE यानी लिमिटेड डिपार्टमेंट एग्जाम होता है, तो इसके लिए जिस तरीके से इन्होंने मॉक टेस्ट अवेलेबल कराया हुआ है अपने वेबसाइट पे, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मॉक टेस्ट, यहाँ पे मॉक टेस्ट अवेलेबल कराया गया है LDE एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनेंस ऑफिसर एंड सेक्शन ऑफिसर के लिए यहाँ पे मॉक टेस्ट अवेलेबल कराया गया है। तो उसी तरीके से जो आने वाले समय में केवीएस में जो सीपीटी एग्जाम है या फिर जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, तो उसका भी मॉक टेस्ट अवेलेबल कराया जाए उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये एक रिक्वेस्ट वीडियो है केंद्रीय विद्यालय संगठन से, ठीक है। केवीएस से एक रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है कि जो कैंडिडेट्स अभी क्वालिफाई किए हैं सेकंड फेज के लिए यानी स्किल टेस्ट के लिए जो अपीयर होने वाले हैं, उनके लिए भी इसी तरीके से एक मॉक टेस्ट अवेलेबल कराया जाए एग्जाम के एक वीक पहले या फिर 15 डेज पहले भी आप जो है एक मॉक टेस्ट अवेलेबल करा सकते हो, क्योंकि कैंडिडेट्स को यहाँ पे कोई भी आइडिया नहीं है और कोई भी ऐसा नोटिस नहीं है जहाँ पे आप लोगों ने क्लैरिफिकेशन दिए हो कि किस तरीके की आपकी टेस्ट होने वाली है, ठीक है। तो एक तो आप नोटिस ला लो कोई कि किस तरीके से आपकी एग्जाम होने वाली है, ऑनलाइन होने वाली है, ऑफलाइन होने वाली है, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि यहाँ पे ऑनलाइन होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि इस बार जो है एग्जाम भी ऑनलाइन हुई है आपकी, ठीक है, एग्जाम भी ऑनलाइन हुई है। अगर कैंडिडेट्स बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर में जो थी वो ऑफलाइन हुई थी, एग्जाम भी ऑफलाइन हुई थी, तो जो टाइपिंग टेस्ट जो थी, सीपीटी टेस्ट जो थी, वो भी ऑफलाइन हुई थी, ठीक है। बट इस बार जो है 2018 में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ गई है, ये जो रिक्रूटमेंट है ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है TCS तो वो कंडक्ट कर रही है, उस टाइम ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो काफ़ी एडवांस यहाँ पे चीज़ें होती गई है, हो रही है। तो इसी के चलते अभी मॉक टेस्ट की ज़रूरत है सभी कैंडिडेट्स को, वो चाहते हैं कि मॉक टेस्ट अवेलेबल कराया जाए। वो मॉक टेस्ट उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए होगा जिनके पास में रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको डालना होगा, और आपको जो भी पासवर्ड दिया जाएगा वो आपको डालना होगा, और आपको साइन इन करना है। और जिस तरीके से आपका एग्जाम होगा वहाँ पे आपको इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए कहा जाता है, किस तरीके के आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्या टॉपिक्स होंगे, तो उसके बारे में एक नोटिस या फिर एक मॉक टेस्ट केवीएस संगठन ने या केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपने वेबसाइट पे अवेलेबल कराना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फाइनेंस ऑफिसर सेक्शन ऑफिसर के लिए जिस तरीके से मॉक टेस्ट अवेलेबल कराया जा रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे डाउनलोड एडमिट कार्ड, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो अगर आप देख पा रहे होंगे कि डाउनलोड एडमिट कार्ड पे जब हमने क्लिक किए तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लॉग इन टू फिल सबमिट और व्यू एप्लीकेशन फॉर्म, तो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा व्यू एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पे आप रिप्रिंट कर सकते हो। तो जो अभी आने वाली जो एग्जाम है आपकी सीपीटी, वहाँ पे भी अगर इस तरीके से आपको फ्यूचर में एप्लीकेशन फॉर्म जिन कैंडिडेट्स के पास में नहीं है तो वो भी आने वाले समय में अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है डाउनलोड कर सकते हैं अगर उन्होंने लॉग इन करते हैं। तो स्किल टेस्ट के बाद में जब आपका रिजल्ट लगेगा और उसके बाद में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म लग सकता है। अगर इतना ही मैंडेटरी होगा तो केवीएस जो है अपने वेबसाइट में एप्लीकेशन फॉर्म रिप्रिंट करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए जो है एक लिंक अवेलेबल करा देगा, ठीक है। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ केंद्रीय विद्यालय संगठन से कि जिस तरीके से यहाँ पे बाकी पोस्ट के लिए यानी लिमिटेड डिपार्टमेंट एग्जाम के लिए फाइनेंस ऑफिसर या सेक्शन ऑफिसर के लिए जिस तरीके से मॉक टेस्ट अवेलेबल कराए गए हैं, उसी तरीके से केवीएस में जो आने वाले समय में जो सीपीटी एग्जाम, स्किल टेस्ट एग्जाम जो होने वाली है उसके रिगार्डिंग भी एक मॉक टेस्ट उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल कराया जाए। तो यही था एक छोटा सा वीडियो। आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, और आपके सुझाव हम तक पहुँचना है कमेंट बॉक्स के जरिए। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।